बिग बॉस 15 के घर में करण कुंद्रा ने अपने ब्रेकअप को लेकर किया बड़ा खुलासा। इस गलतफहमी की वजह से टूटा था करण कुंद्रा और अनुषा डांडीकर का रिश्ता। शमिता के सामने करण ने किया अपना हाल दिल बयां। जी हां, तो क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। वेल, करण कुंद्रा बिग बॉस सीजन 15 के सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। करण अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में हमने देखा कि हाल ही में करण कुंद्रा शमिता शेट्टी से अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातचीत करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने शमिता के सामने अपना हाल दिल बयां करते हुए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा डांडीकर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बातचीत की। जी हाँ, करण ने बताया कि आखिरकार उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। शमिता के साथ बातचीत करते हुए करण ने कहा कि वो काफी खुद में रहने वाले शख्स हैं और जो भी उनके दिल में आता है वो उसे अपने तक रखते हैं। लेकिन इसी के साथ करण ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर वो उस दौरान अपनी एक्स से खुलकर बातचीत करते और दोनों एक दूसरे से बात कर लेते और अपनी दिक्कतों के बारे में बताते तो शायद उनका ब्रेकअप नहीं हुआ होता। उन्होंने अनुषा का नाम लिए बिना कहा कि वो अपनी बातें कहती थी लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाता था। जी हाँ, शमिता से बातचीत के दौरान करण कुंद्रा ये भी कहते हुए दिखे कि वो अपने पिछले रिश्ते में इस तरह से शामिल हो गए थे कि उन्होंने अपने कई दोस्तों को भी खो दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा मेरे दोस्तों से बातचीत करना भी बिल्कुल बंद हो गया था, जिस पर शमिता ने करण से कहा कि अगर अनुषा ये शो देख रही होगी तो वो समझ जाएगी। जी हाँ, करण कुंद्रा ने शमिता की बात सुनने के बाद कहा कि वो इस बात को कभी नहीं समझ पाएगी क्योंकि उन्हें भड़काने के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन शमिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि उससे कुछ नहीं होता, अगर आपस में प्यार होता है तो किसी के भड़काने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्यार ही जीतता है। शमिता ने आगे कहा कि मैंने अब तक जिन्हें भी डेट किया है वो मेरे घर वालों को पसंद नहीं आए हैं, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। जी हाँ, इस तरह से करण कुंद्रा ने अपना हाले दिल बयां किया शमिता के सामने। वेल, आपका क्या कहना है इस खबर पर बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।